अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर बहुत से लोग अपनी शिकायत और अपने मुख्तलिफ मसाइल लेकर आते हैं ताकि हुकूमत की तरफ उसकी तवज्जो दिला सकें। लेकिन आज जो है एक मशहूर फनकार की बेगम हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक टेडी की बेवा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में उनकी दो बच्चियाँ मौजूद हैं। उन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा है और उस प्ले कार्ड पर वो कह रही हैं कि हमारे बाबा की डेथ के बाद हमें किसी ने पूछा नहीं है और हमारे इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमें स्कूल से उठा दिया गया। ये सब हालात क्यों हुए, इन सब के बारे में मालूम करते हैं उनकी बेगम से। जी बताइए, असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि मैं तारिक टेडी की सेकंड वाइफ और साबका बीवी हूँ। अच्छा, तो सफ़ा मरवा तारिक टेडी की ही बेटी हैं। तो तारिक टेडी को इंतकाल हुए 3 माह से ऊपर हो गया। हमारे पास कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि मैं बच्चों की फ़ीस अदा कर सकूं, कि मैं जो ख़र्चा अदालत में वो देते थे उसमें से हमारे स्कूल की फ़ीसें, कारी साहब की फ़ीसें जाती थी। अब हमारे पास कुछ है नहीं जो मैं कर सकूं, तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती, मेरी बच्चियाँ छोटी हैं, मैं बच्चियाँ छोड़ के भी नहीं जा सकती। तो आप लोगों के हुकूमत से और जितने लोग तारिक टेडी के फ़ैन हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी बेटियों का साथ दें, इनकी स्टडीज आगे तक हो सके, क्योंकि इन बच्चियों का उतना ही हक बनता है जितना एक बेटे का है। क्योंकि सफ़ा मरवा तारिक टेडी की ही बेटी हैं। तारिक टेडी वो फनकार जिसने 30 साल खिदमत की, दिलों में राज किया पाकिस्तान के, जितने मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना तारिक टेडी को, प्लीज़ तारिक टेडी की बेटियों का साथ दें। आज मैं दर बर दर हूँ तो सफ़ा मरवा के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं खड़े होना तो किसने खड़े होना। मेरा बेशक रिश्ता टूट गया तारिक टेडी से, पर बच्चियों से तो नहीं टूटा। मेरे पास 10 साल से मेरी बेटियाँ मेरे पास हैं। तारिक टेडी मिलते ज़रूर थे, तारिक टेडी बच्चियों से फ़ोन पे भी बात करते थे, जब बर्थडे पे कोई गिफ्ट भेजते थे तो मुझसे फ़ोन पे रब्ता करते थे, कैसी भेजूँ। मैंने कहा जैसे आपका दिल करता है। तो माशाल्लाह से केक भी आता था सफ़ा मरवा का, उन्होंने वादा किया था सफ़ा मरवा से जब कराने पाक मुकम्मल हो जाए ना तो उमरा ज़रूर करवाऊँगा और इफ़त ज़रूर करवाना एक बेटी को। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्चियों का वो हक हो कि मैं जिससे अपनी बच्चियों की सपोर्ट कर सकूं। कोई अच्छा, कोई तंजीमें फनकारों की तंजीमें हैं, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की या गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कोई हेल्प नहीं हुई? ना फनकारों ने यहाँ तक मदद क्या करनी, प्यार ही नहीं दिया। तारिक टेडी का जनाजा उठाया, क्या सफ़ा मरवा नहीं नज़र आई थी? क्या एक बटा ही गला लगाने के लिए नज़र आया था? हमने भी उसको प्यार दिया, गले लगाया, मैंने उसे कहा जब तुम्हारा दिल करे। तारिक टेडी के बेटे हो तुम, ये भी बेटियां हैं, अगर तुम अपनी बहनों से बात करना चाहो मुझे फ़ोन करो, मैं बात करवाऊंगी, तुम्हें मिलना है मुझसे बात करो। पर उस बच्चे ने 10 साल से पहले तो ना कभी फ़ोन किया, कभी बात नहीं की। अब मीडिया में मुझे वो पता कैसे पुकारता है, आपने सुना होगा, मेरी बहनें ये तवज्जह से सुने, उसे तमीज़ का दायरा ही भूल गया, मुझे कहता है वो औरत। अगर तुम्हारी माँ जैसी हूँ मैं, तुम वही बच्चे हो जो मुझे मामा कहते थे, आज मुझे वो औरत से पुकारते, तुम्हें शर्म होनी चाहिए बेटा। ये सफ़ा मरवा तुम्हारी बहनें हैं, अगर तुम बहनों का साथ नहीं दोगे, तुम अपने लोगों के जैसे दूसरे लोगों की बातों में आके हो जाओगे ना बजन, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप फनकारों की जो तंजीमें या गवर्नमेंट जो है उसको क्या आप मैसेज देना चाहिए? मैं फनकारों की तंजीमों से भी यही कहूँगी, तारिक टेडी वो फनकार था, आपके दिलों में मोहब्बत थी, तो सफ़ा मरवा के लिए आपके दिलों में थोड़ी सी मोहब्बत नहीं आई? 3 माह गुजर गए, आपने एक बार नहीं पूछा कि सफ़ा मरवा को किसी चीज़ की ज़रूरत है? आप जाके सोनू को फ़ोन करते हैं, जुनेद को फ़ोन करते हैं, क्या बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत है? ये नहीं बच्चियाँ किसी की थी, अगर मुझे छोड़ दे मेरा तो रिश्ता ख़त्म हो गया। पर बेटियों का रिश्ता बाप के साथ उतना ही होता है जितना बेटे का होता है। अगर मैंने इन बच्चियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई है तो आपको चाहिए सफ़ा मरवा का साथ दे। मैं हुक्मरानों से और जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं और बाहर के मुल्क, तारिक टेडी ने बहुत यूके, कनाडा, लंदन में काम किया है और पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं जिसमें काम नहीं किया, किसी ने उन बच्चियों पे हाथ नहीं रखा, किसी ने सपोर्ट नहीं दी, अभी तक नहीं दी। ऐसे फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर बच्चियों के लिए आपने सपोर्ट करनी है प्लीज़ मुझसे राबता करें,
बच्चियों से बात करें, बेशक करें, पर मैं चाहती हूँ मुझे तंग करने के लिए ना फ़ोन करें और मुझे धमकियाँ ना लगवाएं। मैं उन लोगों से डरती हूँ, मुझे फ़ोन आते हैं अननोन नंबरों से, मुझे धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि ये मुझे मेरा खतरा भी है, अगर मैं खड़ी हूँ तो मेरे पीछे पुलिस भी खड़ी है, आपको पता है। तो देखिए, मैं प्रेस क्लब के पास भी खड़ी हूँ, मेरी बच्चियों का हक दिलवाया जाए। हुक्मरानों से अपील है, तारिक टैडी वो फनकार है जिसकी बच्चियाँ आज यतीम हो गई हैं, रोडों पे बैठी हुई हैं। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, बच्चियाँ और बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। इस वक्त तारिक टैडी की बेटियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। बेटा क्या कहेंगी, बाबा नहीं आपके, तो क्या मसला आपको पेश आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बहुत मुश्किल से हम आ रहे हैं, रोडों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे पास कोई घर नहीं है, हम किसी के घर रह रहे हैं, किसी के दिन दो घर, अगले दिन दो घर, ऐसे रह रहे हैं। क्या गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहोगे, आपके लिए क्या करें? हमारा हक दिया जाए और हमारी मदद की जाए। जी नाज़रीन, बच्चियों का कहना है कि हमें सपोर्ट किया जाए, हमारी हेल्प की जाए। हमारे पापा एक बड़े फनकार थे और उनकी जो खिदमात थी उनके सिले में हमें सपोर्ट किया जाए ताकि हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात और स्कूल के अखराजात पूरे कर सकें। अपनी मेज़बान अमारा खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।